नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम अपने YouTube वीडियो के माध्यम से बॉडी पार्ट्स के बारे में बताएंगे। शरीर के अंग, शरीर के अंगों से सभी लोग बाखूबी परिचित हैं, बट हम कुछ उन अहम अंगों के बारे में बताएंगे जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव हैं। लेकिन दोस्तों, अभी तक आपने देखा होगा हम अपने अंगों को लेकर कुछ चिंतित रहते हैं, कौन सा अंग हमारा काम कर रहा है, कौन सा अंग हमारा काम नहीं कर रहा है, कौन सा अंग हमारा कितनी इफेक्टिवली काम कर रहा है। बट इस वीडियो में थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें हम आपको ये बताएंगे कि हमारे अंग बॉडी पार्ट्स हमसे कब कब डरते हैं। हाँ जी, है ना सोचने वाली बात, जैसे हमें डर लगता है वैसे हमारे अंगों को भी हमसे डर लगता है, और वो कब कब डरते हैं ये हम बताएंगे आपको अपने वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे इस वीडियो के अंत तक, और जिस किसी ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आगे का वीडियो कंटिन्यू कर सकें। तो हाँ दोस्तों, पहला पार्ट पेट, स्टमक। पेट उस समय डरा होता है जब आप सुबह का नाश्ता नहीं करते हैं। सेकंड पार्ट, दूसरा अंग, किडनी, जिसको हम हिंदी में गुर्दे कहते हैं। गुर्दे हमारे उस वक्त खौफ में होते हैं जब आप प्यास लगने पर पानी नहीं पीते हैं। तो दोस्तों, अधिक प्यास लगने पे पानी जरूर पीते रहिए। थर्ड पार्ट, गाल ब्लैडर, यानी पित्ताशय। ये उस वक्त परेशान होता है जब आप रात 11 बजे तक सोते नहीं हैं और सूरज उगने से पहले जागते नहीं हैं। छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टिन। छोटी आंत उस वक्त तकलीफ महसूस करती है जब आप ठंडी चीज़ें पीते हैं और बासी खाना खाते हैं। फिफ्थ पार्ट, बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन। बड़ी आंत उस वक्त ज़्यादा तकलीफ महसूस करती है जब आप तली भुनी चीज़ें या मसालेदार चीज़ें खाते हैं। तो दोस्तों, बहुत ज़्यादा तली भुनी चीज़ें, मसालेदार चीज़ें हमें अवॉइड करनी चाहिए। सिक्स पार्ट, छठा अभिन्न अंग, फेफड़े, लंग्स। हमारे फेफड़े उस वक्त बहुत तकलीफ महसूस करते हैं जब हम धुआं, धूल, सिगरेट, बीड़ी से भरपूर हवा में सांस लेते हैं, मतलब प्रदूषण का बहुत बहुत बड़ा इफेक्ट हमारे फेफड़ों पे पड़ता है, इसलिए हमें इन सब चीज़ों का बहुत ही ध्यान रखना चाहिए। सेवेंथ पार्ट, यकृत, लीवर। यकृत या लीवर हमारे शरीर का एक अहम पार्ट है। हमारा लीवर उस वक्त बीमार हो जाता है जब हम बहुत तली हुई खुराक और फास्ट फूड खाते हैं, इसलिए फास्ट फूड से हमें बचाव करना चाहिए, कभी कभी कर लेना चाहिए, बट बहुत ज़्यादा फास्ट फूड लेना हमारे लीवर को इम्पैक्ट करता है। एर्थ पार्ट, आठवां अंग, दिल, हार्ट। हार्ट एक विशेष रोल प्ले करता है हमारे शरीर में, जिसके बारे में शायद ही किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हार्ट या दिल उस समय, उस वक्त बहुत गमगीन होता है जब आप ज़्यादा नमकीन और कोलेस्ट्रॉल वाली चीज़ें खाते हैं, तो हमें इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना चाहिए। नाइन्थ पार्ट, नवा अंग, अग्नाशय, पैनक्रीस। अग्नाशय उस वक्त बहुत डरता है जब आप बहुत ज़्यादा मिठाई खाते हैं और ख़ासकर जब वो फ्री में मिल रही हो, इसलिए बहुत ज़्यादा मिठाई का सेवन नहीं करना चाहिए। दसवां अंग, आइज, आंखें।
हाँ जी, आंखें आंखें उस वक्त तंग आ जाती हैं जब आप अंधेरे में मोबाइल और कंप्यूटर पर उनकी तेज रोशनी में काम करते हैं। इसलिए दोस्तों, हमेशा ध्यान रखें, मोबाइल और कंप्यूटर का इस्तेमाल अंधेरे में नहीं करना चाहिए। जब भी आप इस्तेमाल करें तो अपने कमरे की लाइट को ऑन रखें। 11th पार्ट, दोस्तों ये 11वां अभिन्न अंग है हमारा, दिमाग, ब्रेन। हाँ जी, कंप्यूटर का जैसे सीपीयू होता है, वैसे ही ब्रेन हमारे शरीर का सीपीयू होता है। और हमारा ब्रेन उस वक्त बहुत दुखी होता है जब आप निगेटिव सोचते हैं। इसलिए दोस्तों, कभी निगेटिव नहीं सोचना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए, क्योंकि हमारा थॉट पे ही एवरीथिंग डिपेंड करता है। इसलिए हमेशा पॉजिटिव सोचिए। सो ये 11 अभिन्न अंग थे हमारे शरीर के, जिनके बारे में मैंने आपको बताया कि वो कब डरते हैं। तो देखा दोस्तों, आपने अपने शरीर के हर हिस्से का ख्याल रखें। याद रखें, ये अंग बाजार में नहीं मिलते हैं। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। थैंक्स दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।